श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वृंदावन वारे मेरे बाके बिहारी, तेरा रूप देख देख जाऊँ वारी वारी। कि ये जो बाके बिहारी हैं श्री धाम वृंदावन वारे, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। अब प्रश्न है आपकी श्रद्धा का, आपके विश्वास का, आपके प्रेम का। तो ये जो घटना मैंने सुनी है वो श्रद्धेय श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी से सुनी है। वो बताते हैं कि बांके बिहारी के मंदिर में एक व्यक्ति खड़ा था और गुरुदेव के गुरुदेव यानी श्रद्धेय श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज के गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव और पिताजी श्री मूल जी बिहारी जी, श्री मूल बिहारी जी महाराज वहीं पर थे। तो जो व्यक्ति था बांके बिहारी के मंदिर में, उसने श्री मूल बिहारी जी से पूछा कि मुझे भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं। और उनका चेहरा बड़े गुरुदेव की तरफ था, बांके बिहारी की तरफ उनकी पीठ थी, उस व्यक्ति की पीठ थी। तब श्री मूल बिहारी जी ने उस व्यक्ति को पकड़ा और पकड़कर घुमा दिया, उसका मुख श्री बांके बिहारी की ओर कर दिया और कहा, देख सामने देख, जो ये तो बिहारी जी देख रहा है ना, ये नकली के नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। भैया, इन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है, ये श्री विग्रह ही श्री कृष्ण है। जब उस व्यक्ति को ऐसी बात कही तो उस व्यक्ति को धक्का लगा, अरे मुझे धिक्कार है, मैं बिहारी जी के मंदिर में हूँ और मैं भगवान को पहचान भी ना पाया। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम भी बिहारी जी को पहचान नहीं पाते, भगवान को पहचान नहीं पाते। उस समय हमें चाहिए कोई बुद्ध पुरुष, कोई सतगुरु जो हमें भगवान के दर्शन करवा दे, हमें भगवान से मिला दे। तो ये बांके बिहारी जी जो हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान हैं। आप जब भी बांके बिहारी जी के मंदिर में जाओगे, किसी भी कोने से आप बांके बिहारी जी का दर्शन करना, आपको यही लगेगा कि बिहारी जी हमें देख रहे हैं, बिहारी जी हमें निहार रहे हैं। और आप अपने नेत्रों से उन बांके बिहारी के दर्शन करना, आपके हृदय में वो झांकी समा जाएगी और आप उसे देखते जाओगे। बीच में बार बार पर्दा आएगा, लेकिन भक्त पर्दे को नहीं देखता। मानो भगवान भी देखना चाहता है कि जब पर्दा आता है तो मेरे भक्त का ध्यान किस तरफ है, वो मुझे देखता है या और किसी को देखता है। तो भैया, जो ये बांके बिहारी हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, आप इन्हें मूर्ति मानने की गलती भी मत करना। समय जरूर मिले तो एक बार श्री धाम वृंदावन जरूर जाना और वहाँ पर श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करना, यमुना जी जाना, यमुना घाट पे जाना, निधिवन जी में जाना। आपको पक्का 100% मैं कहता हूँ कि भगवान की अनुभूति हुए बिना रह ही नहीं सकती। वृंदावन के बारे में तो एक कवित भी आता, बड़ा प्यारा है, कि एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया, जगन्नाथ चाहे जहां जाओगे, होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष बांके बिहारी के, वृंदावन सा आनंद न पाओगे, वृंदावन सा आनंद कहीं ना पाओगे। आप चाहे इन जगहों में से कहीं भी जाके घुमाना, लेकिन वृंदावन का जो आनंद है वो अपना ही आनंद है,
ऐसा आनंद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको बांके बिहारी नहीं मिलेंगे, कहीं भी आपको ब्रज रज नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, लेकिन वृंदावन की तो गली गली में राधे 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 राधे, मानो वहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। बस चाहिए तो वो आंखें एक बुद्ध पुरुष जो हमें उनका दर्शन करवा दे, एक संत, एक महात्मा, या किशोरी जी की कृपा। जिस पे किशोरी जी की कृपा हुई है उसे ही ब्रज का धाम मिला है। मैं दुआ करूँगा सबके लिए जो नहीं गए हैं कि जीवन में एक बार तो जरूर वृंदावन जाना, और वो जाएं, क्योंकि वृंदावन जाने के बाद मुझे नहीं लगता कहीं जाना शेष होगा। तो ये प्रसंग, ये कथा, ये घटना, ये बात मैं आपके लिए लाया। आगे भी कुछ ऐसे प्रसंग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।